never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका रात के टाइम में एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, जिसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मरने के बाद वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड हो गया एक स्वॉर्ड बन के, और उसकी विल्डर यानी कि स्वॉर्ड की विल्डर एक छोटी सी कैट गर्ल है, जिसके बाद स्वॉर्ड एक्सप्लेन करने लगता है कि आखिरकार वो इस लड़की से मिला कैसे। मरने के बाद वो देखते है कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है, एक दूसरी ही दुनिया जहाँ पर ड्रैगन आसमान में उड़ रहे हैं, जिसके बाद देखता है कि वो एक स्वॉर्ड में रीइनकार्नेटेड हो चुका है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज स्वॉर्ड को गुड लक कहती है और कहती है आगे तुम्हें काफी ज्यादा काम करने हैं, जिसके बाद वो आवाज स्वॉर्ड को बाय करके चली जाती है। लेकिन स्वॉर्ड इन बात से काफी कंफ्यूज रहता है कि आखिरकार ये आवाज किसकी थी। स्वॉर्ड ये बात सोचने लगता है कि जब भी कोई कैरेक्टर दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में रिबॉर्न होता है तो उससे काफी ज्यादा सुपर पावर मिलती है, तो शायद मेरे पास भी कोई न्यू एबिलिटी होगी। जिसके बाद वो अपने एबिलिटीज को चेक करने लगता है तो उसका अप्रेजल लोग उसके सामने आता है, जिसमें उसका कोई भी नाम नहीं होता है और कोई भी विल्डर नहीं होता है, लेकिन उसका एक टाइप होता है जो कि होता है इंटेलिजेंस वेपन। साथ ही साथ वो अपनी स्किल चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके पास टेलीकिनेसिस एंड सेल्फ रिकवरी स्किल है। जैसे स्वॉर्ड अपनी और भी ज्यादा स्किल देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी स्किल काफी पावरफुल लगती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या मैं सबसे पावरफुल स्वॉर्ड हूँ? अगर मेरे अपीयरेंस को देखा जाए तो मैं एक लेजेंडरी वेपन की तरह लग रहा हूँ। तभी अचानक से स्वॉर्ड देखता है कि उसके चारों ओर गोब्लिन आ जाते हैं और वो उसको उसकी जगह से निकालने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत करने के बाद भी गोब्लिन स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पा रहे होते हैं, इसलिए गोब्लिन काफी गुस्सा होकर स्वॉर्ड के ऊपर स्प्लिट करने लगते हैं। ये देखकर स्वॉर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है तो वो अपने टेलीकिनेसिस की पावर का यूज करता है और अपनी जगह से निकलकर आसमान में उड़ने लगता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी गोब्लिन्स को मारने लगता है। एक गोब्लिन को मारते वक्त वो उसके अंदर के क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसके वजह से वो ग्लो करने लगता है, तो स्वॉर्ड को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ। वो इन बातों को इग्नोर करके दोबारा से गोब्लिन को मारने लगता है और भी ज्यादा क्रिस्टल को तोड़ता है, जिसके बाद वो दोबारा से ग्लो करने लगता है। तो अपनी स्किल को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके स्टैट तो थोड़े इंक्रीज हो चुके हैं इन गोब्लिन्स को मारने के बाद। स्वॉर्ड देखते हैं कि उसके पास एक मेमोरी स्किल भी होती है, जिससे कि वो किसी भी बंदे को मार के उसकी स्किल को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने स्टैट को इंक्रीज भी कर सकता है। ये देखकर स्वॉर्ड काफी हैरान रहता है, जिसके बाद वो बाकी गोब्लिन्स को जाकर भी उनके क्रिस्टल तोड़ने लगता है, जिससे कि और भी ज्यादा वो लेवल अप होने लगता है और अब इसी वजह से उसको काफी ज्यादा न्यू स्किल भी मिल जाती है। स्वॉर्ड कहने लगता है जैसे मैंने सोचा, मैं इन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर न्यू स्किल ले सकता हूँ, जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं स्किल का करूंगा ही क्या, क्योंकि मेरे पास कोई बिल्डर ही नहीं है तो मैं काफी ज्यादा अकेला हूँ और अब मेरा गोल यही है कि मैं काफी ज्यादा न्यू स्किल को कलेक्ट करूँ मेरे भविष्य के बिल्डर के लिए, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। वहीं दूसरी साइड हमें कैट गर्ल की लाइफ दिखाई जाती है जो कि काफी बेकार चल रही होती है, क्योंकि वो ह्यूमंस की स्लेव बनकर रह रही होती है। वो हमेशा ये ड्रीम करती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर उसके पास कोई पावर होती तो वो यहाँ से जरूर निकल जाती इन लोगों से काफी दूर। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग अगले दिन को देखते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके आसमान में उड़ रही होती है ताकि वो अपनी स्किल न्यू बढ़ा सके। स्वॉर्ड वहां से जा ही रहा होता है तभी वो एक मैजिकल प्लांट से टकराता है जो कि उसको पकड़ लेता है और उसका एमपी ड्रेन करने लगता है, यानी कि एब्जॉर्ब करने लगता है। स्वॉर्ड उस प्लांट की पावर देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये स्किल मुझे चाहिए, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उसको मॉन्स्टर के क्रिस्टल को तोड़कर उसको हरा देता है, जिसके बाद वो वापस से लेवल अप हो जाता है। जिसके बाद स्वॉर्ड और भी आगे जाकर काफी सारे और भी न्यू मॉन्स्टर को मारने लगता है और उनकी स्किल को लेने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाता है कि अगर वो इसी तरीके से मॉन्स्टर को मारता गया और स्किल लेता गया तो वो पूरे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड बन जाएगा। जिसके बाद शाम के टाइम में हमें दिखाया कि स्वॉर्ड को गोब्लिन्स का अड्डा मिल जाता है कि वो आखिरकार जाते कहाँ हैं। स्वॉर्ड इसी मौके का फायदा उठाकर उस गुफा के अंदर जाकर सभी गोब्लिन्स को मारने लगता है और उनका क्रिस्टल लेने लगता है, इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा न्यू स्किल और उसका काफी ज्यादा लेवल अप भी हो जाता है। जिसके बाद स्वॉर्ड अपनी इनविजिबल स्किल को लगा लेता है और केव के और भी अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो वहां देखता है कि सभी गोब्लिन्स के बीच में उनका गोब्लिन किंग बैठा हुआ है
तो सोर्ड अपनी न्यू पावर का यूज करके काफी ज्यादा तेज स्पीड में उड़ के उस गोब्लिन किंग के सर को ही उड़ा देता है और एक ही हिट में गोब्लिन किंग को मार देता है। ये देखकर गोब्लिन सारे हैरान हो जाते हैं, लेकिन सोर्ड कहते हैं लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी पावर का यूज कर दिया। जिसके बाद सोर्ड को अपना नेक्स्ट टारगेट मिल जाता है जो कि होता है गोब्लिन मेज। वो उसको भी हरा के उसकी स्किल भी ले लेता है, जिससे कि उसे फायर मैजिक मिल जाता है जो कि वो हमेशा से ही चाहता था। और बाकी और भी ज्यादा गोब्लिन को मारने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी सोर्ड देखते हैं कि उसकी सोर्ड आर्ट लेवल 3 की हो जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इससे उसकी बिल्डर की मास्टरी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि अगर कोई भी उसको इक्विप करने की कोशिश करेगा तो वो इंस्टेंटली उसको बिल्ड कर पाएगा। इस बात से वो काफी खुश होता है कि जब भी उसको कोई भी बिल्डर मिलेगा तो उसको देखकर काफी सरप्राइज होगा। और इसी खुशी में वो उड़ के अपनी जगह पर वापिस जाने लगता है, जिसके समय कैट गर्ल वाली साइड दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा एक स्लेव को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी कैट गर्ल उसके सामने आ जाती है और स्लेव को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा स्लेव को ऑर्डर देता है कि मेरे नीचे झुको। और कैट गर्ल ने जो स्लेव कॉलर डाला हुआ था उसके वजह से काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके वजह से उसे उस बंदे के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वही बंदा कैट गर्ल को काफी ज्यादा रूडली ऑर्डर दे रहा होता है। इस वजह से कैट गर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर उठाकर उसको मारने के लिए जाने लगती है। तभी वो बंदा कैट गर्ल को रुकने के लिए ऑर्डर देता है और स्लेव कॉलर की वजह से कैट गर्ल को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है और वो बिल्कुल उसको मार भी नहीं पा रही होती है। जिसके बाद वो लोग घोड़ा गाड़ी के जरिए किसी और जगह पर जाने लगते हैं। कैट गर्ल बाकी स्लेव के साथ बैठी होती है और मन में कहने लगती है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मुझे इवॉल्व होना होगा। जिसके बाद हमें सोर्ड को दिखाया जाता है जो कि पूरे एरिया को स्कैन कर चुका होता है और उसे अब पता चल चुका है कि मॉन्स्टर कितने दूरी पर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो सबसे पहले जाकर लेसन वाइब्रोन को हरा देते हैं, जिससे कि उसे काफी ज्यादा स्किल मिल जाती है। लेकिन इसी लड़ाई में वो काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन उसकी सेल्फ रिकवरी उसको वापस से हील अप कर देती है। जिसके बाद सोर्ड बताता है कि वो इसी तरीके से हर एरिया के जाकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर से लड़ता गया और उनको हराता गया, जिससे कि उसे काफी ज्यादा न्यू स्किल और काफी ज्यादा पावर मिलती गई। सेल्फ रिकवरी स्किल होने की वजह से सोर्ड बिना डरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमे से लड़ता गया, जिसके से वो काफी ज्यादा लेवल हो गया। एक डोपल स्नेक की लड़ने की वजह से उसे एक डोपल गैंगर स्किल मिल जाती है, लेकिन वो उसके लिए काफी कमजोर होती है, वो उसे ना ही यूज करने का सोचता है। सोर्ड देखते हैं कि इतने लड़ने की वजह से उसके इवोल्यूशन हो जाता है और उसके स्टैट भी काफी ज्यादा रिस्टोर हो जाते हैं और वो बताने लगता है कि उसने यहाँ के सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है और अब स्ट्रॉन्ग एनिमे से लड़ने के लिए उसे एरिया 5 के फॉरेस्ट के पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए सोर्ड वहीं जाने लगता है। जिसके बाद सोर्ड जमीन पर रुकने की सोचता है तो वो जैसे वापस वहां उड़ने लगता है तो वो देखते हैं कि वो उड़ ही नहीं पा रहा है, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन वो पावर जमीन में एब्जॉर्ब होती जा रही होती है। काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं। सोर्ड ये होप कर रहा होता है कि एक काफी सुंदर वुमेन आकर उसको रेस्क्यू करेगी, लेकिन नहीं है होता ऐसा। एक महीना बीत जाता है, वो दुआ कर रहा होता है कि क्या कोई ज़ॉम्बी या फिर कोई भी गोब्लिन या फिर कोई भी आकर मेरे को उठा लो, लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ से प्लीज निकाल दो। काफी टाइम बीत जाता है, कोई भी नहीं आता। सोर्ड भी रोने लगती है और कहती है कि इस सब का फायदा ही क्या था, मैंने इतनी मेहनत करी और मैं इतना लेवल अप हुआ, लेकिन आखिर मैं एक रस्ट जैसी एक स्वॉर्डी बन जाऊंगा। क्या कोई नहीं है जो मेरी आके हेल्प कर सके और मेरा एक बार तो यूज कर सके। तभी हम लोग देखते हैं कि सोर्ड की उसी जगह से कैट गर्ल का ग्रुप जा रहा होता है और उनके पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर लगा होता है जो कि उनकी गाड़ी को उठाकर ही दूर फेंक देता है, जिससे कि सभी स्लेव जमीन पर गिर जाते हैं। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे मिलकर सभी स्लेव्स को मारने लगता है, लेकिन वहां पर कैट गर्ल हिल ही नहीं पा रही होती है क्योंकि उसका कॉलर उसको जाने नहीं दे रहा होता है। तभी हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि कैट गर्ल के साथ काफी गंदा बिहेव कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर आके उस बंदे को मार देता है, जिसकी वजह से कैट गर्ल और बाकी सभी स्लेव फ्री हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कैट गर्ल वहीं पर रुककर एक डंडी उठाकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर कैट गर्ल को काफी दूर फेंक देता है और बाकी सभी स्लेव को दोबारा से खाने लगता है। ये देखकर कैट गर्ल काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। तभी कैट गर्ल को सोर्ड की आवाज आने लगती है जो कि अपने टेलीपैथी की पावर का यूज करके
कैट गर्ल को कह रहे होते कि मेरा यूज करो, जिसके बाद कैट गर्ल की नजर स्वॉर्ड पर जाती है और वो कहने लगती है मुझे ताकत की जरूरत है, जिसके बाद वो जाकर स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद उससे स्वॉर्ड उठती ही नहीं है। वो मॉन्स्टर उनके काफी ज्यादा नजदीक आने लगता है, लेकिन फाइनली कैट गर्ल स्वॉर्ड को उठा ही पाती है। तभी स्वॉर्ड अपनी जितनी भी पावर है जो कि आज तक उसने गेन करी है वो सारी कैट गर्ल को देने लगता है और उसे कहते है कि तुम अब से मेरी विल्डर हो, अब मेरी पावर तुम ही रखो, मैं तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। जिसके बाद कैट गर्ल और स्वॉर्ड मिलकर दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और कैट गर्ल काफी इजीली उस मॉन्स्टर को हरा देती है। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद वहाँ पर स्लेव के ओनर का हेड आ जाता है और उसे कहने लगता है आखिर ये तुम्हें स्वॉर्ड कहाँ से मिली, तो तुम ही हो जिसने उस मॉन्स्टर को हराया और अब ये स्वॉर्ड तुम मुझे दे दो। कैट गर्ल स्वॉर्ड देने से मना कर देती है, इसलिए वो उसको ऑर्डर देने लगता है, जिसकी वजह से कैट गर्ल को वो स्लेव कॉलर काफी दर्द देने लगता है और वो बंदा कहने लगता है जब तक मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉलर है तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। स्वॉर्ड खड़े खड़े ये सब चीजों को नहीं देख पा रहा होता है, इसलिए वो अपने टेलीकिनेसिस का पावर का यूज करके उस बंदे को मार देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी फायर पावर की मदद से जला देता है और अपनी स्किल की मदद से कैट गर्ल के स्लेव कॉलर को भी तोड़ देता है। ये सब देखकर कैट गर्ल काफी खुश हो जाती है और स्वॉर्ड को शुक्रिया करती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी स्वॉर्ड घबराते हुए कैट गर्ल से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक विल्डर बनो। कैट गर्ल भी काफी ज्यादा इजीली इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी विल्डर बनने के लिए। स्वॉर्ड कहता है लेकिन ये डेंजरस होगी अगर तुम मेरे साथ ट्रेवल करोगी तो, जिस पर कैट गर्ल कहती है मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे स्ट्रांग होना है। तब स्वॉर्ड उसे पूछती है कि क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम स्ट्रांग बनना चाहती हो। तब कैट गर्ल कहती है कि आज तक कोई भी ब्लैक कैट यानी कि मेरे काइंड के लोग कभी भी इवोल्व हो ही नहीं पाए हैं। इवोल्व होने की विश मेरे पेरेंट्स की थी जो कि आज तक कभी भी पूरी नहीं हो पाई और इस विश को पूरा करना चाहती हूँ। ये सुनकर स्वॉर्ड भी काफी खुश हो जाता है और कहता है समझ गया, अब मैं तुम्हें इतना ट्रेन करूंगा कि तुम काफी स्ट्रांग हो जाओगी और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें मैं जरूर इवोल्व करूंगा। ये सुनकर कैट गर्ल काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद स्वॉर्ड कैट गर्ल से उसका नाम पूछता है तो कैट गर्ल अपने पेरेंट्स को याद करती है और अपना नाम बताती है फ्रेंड, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसको ये नाम दिया था। जिसके बाद फ्रेंड स्वॉर्ड से उसका नाम पूछती है लेकिन स्वॉर्ड कहता है कि मेरे पास तो कोई नाम ही नहीं है। तब फ्रेंड सोचने लगती है कि आखिरकार स्वॉर्ड को नाम क्या दिया जाए। तब फ्रेंड डिसाइड करती है कि वो आगे से अब स्वॉर्ड को टीचर बुलाएगी या मास्टर, क्योंकि वो फ्रेंड को स्ट्रांग बनना सिखाएगा। इसी बात पर टीचर को भी ये नाम काफी पसंद आया और इसी तरीके से टीचर और फ्रेंड निकल जाते हैं अपने क्वेस्ट पे फ्रेंड को इवोल्व करने के लिए। टीचर कहने लगता है यानी कि स्वॉर्ड कहने लगता है कि कैट गर्ल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है जब वो काफी बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये काफी स्ट्रांग हो जाएगी और तब मेरा फर्ज बनता है फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना। मैं किसी को भी फ्रेंड के पास नहीं आने दूंगा और उसको किसी के ऊपर हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया तो जोर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस चैनल पर आपको जरूर से नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में।